बिटिया का एक ऐड चलता है उल्लू बनावे, तो वही है ये उंगली पर काली स्याही लगा लेना, ये लोकतंत्र नहीं है। इसको ऐसे करते रहना भी लोकतंत्र है, सत्ता को नकली क्लास जो 5 बच्चे बिठा करके बनाया था वो लग रहा है उस क्लास को तुम बनवाई, तुम थी वहाँ पर। सवाल पूछ लिया तो सिलेंडर लेके रोड पर बैठ जाती थी और कहती थी कि मेरा मन करता है कि मैं ये चूड़िया उतार कर प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही आप? 1200 रुपया गले तो आप पूछोगे तो बनाए ना, हम किधर ना बोल रहे हैं। सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के गए ना 2014 में, सोशल मीडिया की सीढ़ी पर इस बार हम जनता लठ लेके बैठे रहेंगे। अच्छा हाँ। लठ लेके बैठेंगे संविधान नहीं है देश में, तो लठ मतलब हमारा वोट। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूँ हाँ। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है हाँ। सिर्फ वोट करके और ये उंगली पर काली स्याही लगा लेना हाँ। ये लोकतंत्र नहीं है हाँ। इसको ऐसे करते रहना भी लोकतंत्र है, सत्ता को। लेकिन सर लगातार इसीलिए स्याही लगाया जाता है कि वोट दे दिए अब ऐसा करो, लेकिन हम नहीं किए तो आज हमारा बर्बादी देख रहे हैं हम। हाँ। लेकिन आप लगातार डिग्री पे सवाल उठा रहे, तो मोदी जी की तो डिग्री देखिए। मुझे आप पे डिग्री पे शक है, आप फालतू सवाल कर रहे हैं। मोदी जी की डिग्री पे आप मुझे आपकी डिग्री दिखाइए। मोदी जी की डिग्री पे आप लोग सवाल कर रहे हैं। मैं कहाँ से पूछा डिग्री पूछा? मैं लगातार पूछते हैं ना। हाँ तो डिग्री तो है तो दिखा दो ना। तो अमित शाह जी ने दिखाई है, भरोसा अमित शाह के क्या भरोसा करे? मोदी जी पब्लिकली कहते हैं कि भाइयों बहनों मेरी कोई ज्यादा शिक्षा विक्षा नहीं हुई है, ये दिखाऊं वीडियो और ढूंढ लेना। हाँ। तो अब मुझे जिसका डिग्री कोई और दिखा रहा है हाँ। और जिसकी डिग्री है वो बोलता है मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है हाँ। तो मैं किसकी बात मानूं? दोनों में से कौन सच्चा है? तो देखिए अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं। मैं नहीं, डिग्री पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ हाँ। ये जबरदस्ती तुम्हारी डिग्री दिखाओ, तुम्हारा डिग्री पर शक है मेरे को, इसलिए कि तुम बेतुके। मेरा ये बोलना है मीडिया ने सही जनता से रिलेटेड सवाल करो हाँ, सत्ता की चाटुकारिता मत करो। जनता तो खुश है ना भाजपा सरकार, तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें दे रहा है पैसा। सड़कों पर नहीं है, आप महंगाई की बात करें, कोई जनता सड़कों पर नहीं है। जंतर मंतर पर देख लीजिए, महंगाई के लिए कोई भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। जंतर मंतर रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ जनता दिखती है। यहाँ पे प्रोटेस्ट क्या है? जो आ रहे हैं वो तो दिखते हैं। जनता पार्टी को एकमुश्त वोट मिला है, आप कह रहे हैं कि जनता क्या 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 में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, इसलिए तो कह रहा हूँ फर्जी पत्रकारों तुम लोग को। निकाय चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ी जाती है और लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ी जाती है। में ही भाजपा ये तुम लोग को ये दोनों में फर्क नहीं आता तो तुम लोग पत्रकार का वो ये बताओ। अरे वो मेरा वो मतलब ही नहीं, मेरे बच्चों का भविष्य के बारे में बात करो, शिक्षा की बात करो। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है, शिक्षा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है तो रोजगार है। चलिए आप शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, आपने मोदी जी का एक फोटो नहीं देखा कितना वायरल हुआ था डेमो क्लास की? इस तरीके की क्लास बनेंगे अब। कौन से नकली क्लास जो 5 बच्चे बिठा करके डेमो था ना बनाया था, उस तरीके के क्लासरूम बनेंगे। वो लग रहा है उस क्लास को तुम बनवाई थी, तुम थी वहाँ पर। सवाल पूछ लिया तो शिक्षा पे चर्चा करते हैं कौन? और 3 का पारा भूल जाते हैं, 3 का पारा भूल जाते हैं। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा नहीं करी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की। परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन शिक्षा पे चर्चा नहीं करते हैं। शिक्षा के स्तर क्या है देश में? परीक्षा पर चर्चा है और शिक्षा पर चर्चा नहीं है। अब देखिए फर्जी क्लास बना के दिखा देते हो। ये देखो बनेंगे सर, दिखाया ना डेमो दिया था, वो मॉडल था केवल कि ऐसे क्लासेस। डेमो तो हम देख लिए ना हाँ। अच्छे दिन का तुम्हें तो तुम्हारी तो पहुंच है ना मोदी तक, उनको जाके कहिएगा कि हमारे बुरे दिन लौटाओ, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। अमृत काल चल रहा है, हमको खुशी होना चाहिए कि अमृत काल में है। मोदी जी पी लेंगे, अमृत काल का नाम लिए तो अमृत पाल आ गया। अमृत काल आप मत चिल्लाइए हमें। देखिए हम भविष्य की बात करते हैं तो तुम बोलते हो भूतकाल अमृतकाल। हाँ मुझे उसमें नहीं जाना है, मेरे को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बताओ क्या है। तो मोदी जी बात करते हैं ना, तुम क्या करती हो? शिक्षा पे भी बात तुम क्या करती हो एज ए पत्रकार? तुम क्या करती हो? आप जो बोल रहे हैं हम वो भी दिखाएंगे नहीं। ये सुनो ना ये वीडियो देखेगी ना पब्लिक, वो डिसाइड करेगी कि क्या है। इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल जनता से नहीं होना चाहिए, सत्ता से होता है। हाँ तो जनता ही तो मुद्दे उठाती है ना, जैसे आप मुद्दा उठा रहे महंगाई है। फाइनेंस मिनिस्टर का हस्बैंड ही खुद उनको कटघरे में ला रहा है तो बताइए। लेकिन स्मृति ईरानी चुप क्यों है? तुम कैसे लोगों का नाम ले रही हो? तुम मंत्री है, महिला बाल महिला है, अब महिलाओं का दर्द समझती नहीं है तो फिर मेरे को तो शक जाता है ना, बताओ। हाँ वो बोलती थी कि पहले के प्रधानमंत्री को सिलेंडर लेके रोड पर बैठ जाती थी और कहती थी कि मेरा मन करता है कि मैं ये चूड़िया उतार के प्रधानमंत्री को भेज, तो प्रधानमंत्री को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही है आज? पैरालाइज हो गया ना, कैसे 1200 रुपया गले, तो आप पूछोगे ना सर, तो मिलेंगे तो पूछ लेंगे, कब मिलेंगे? पैरालाइज हो गया, हम कब्र में चले जाएंगे, देश की जनता, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा तब। अभी देख के आई ना केरला स्टोरी, केरला स्टोरी आप देख लिए? नहीं आपने देखा कि नहीं, तो क्यों आप केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं? तो आपने देखा ही नहीं, मतलब विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे तो उन्होंने देख के है ना, तो आपने क्यों नहीं देखा? हमने नहीं देखा, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पूरी, अरे देख मत लीजिए यार, देखो वो आइडिया का एक ऐड चलता था, उल्लू बनावे, तो वही है, उल्लू बना रहे हैं तो भाई आप देखना नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ देख कर आए, अरे भाई बीजेपी वालों ने बनाई है, बीजेपी वाले शायद अब मैं भी, देश की जनता अब जब समझ जाएगी कि केरला स्टोरी देखने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार भी मिल जाएगा और आज कालाधन भी आ जाएगा, तो तब तो मुझे देखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आपको क्या लग रहा है नहीं आएगा? अब मैं देख लूंगा तो सब हो जाएगा। इतना आपने तारीफ की है, मूवी देखकर टैक्स फ्री कर दी है, हाँ टैक्स फ्री कर दी अपने लोगों को। अब ये मैडम के ऊपर इसलिए मेरा शक जाता है पत्रकारिता पर, दूध पर टैक्स, दही पे टैक्स, खाने के हर सामग्री पर टैक्स, इवन कफन तक पर टैक्स है, कफन पर भी टैक्स है, हाँ, और फिल्म में टैक्स फ्री जो विवादित है, जो काल्पनिक है, ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे? जो इसका विरोध करे उसका मतलब वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी से पूछिए, लड़की हिंदू लड़कियों बताओ मैं क्या बोलूं, ये बताइए 41,000 लड़कियों का प्रश्न है नहीं है, है नहीं है, उसे कौन ढूंढेगा? ऑन रिकॉर्ड है ना NCRB का डेटा, तो देखिए मैडम ढंग का सवाल होना चाहिए। चलिए लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी, आपने क्या इन बेटियों के लिए कुछ लिखा है? बेटियों के लिए अब लिखने के लिए कलम नहीं रह गया, क्योंकि कलम जो है जो सत्ता के दरबार में जाके तलवे चाट रहा है, हाँ। तो क्या लिखें? आपका भी कलम चला गया वहाँ पे, आप लिख सकते हैं ना, आप पत्रकार की बात कर रहा हूँ, आपकी बात आप लिखते हैं, हमारी क्या बात करोगे? सत्ता की बात करो, सत्ता से सवाल करो। चलिए आप लगातार, आपके कई गाने वायरल हुए, एक GST और एक सोशल मीडिया के लिए भी आपने लिखा था वो भी वायरल हुआ, तो अब कुछ नया लिख के लाए? कुछ नया नहीं, तो कुछ सुना दें आप। मोदी जी जो कर्नाटक में हारे उसके बारे में सुना। नहीं देखिए, कर्नाटक में हारे हैं जीते हैं वो एक सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हमारे देश के जो 130-135-40 करोड़ जो नागरिक हैं उनकी जो एक खुशहाली कैसे हो आए, उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, उनके बच्चों को शिक्षित कैसे बनाया जाए, सरकारें इस पर काम करती हैं, वो एक गुड गवर्नेंस कहा जाता है, ठीक है ना। और जिनके बातों का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके वादों का कोई ठिकाना नहीं, इस पर और क्या ज़्यादा बोलना, बस बंद कीजिए।